हेलो एवरीवन, टुडे वी विल सी वेरी मेन टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट इज़ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर हमने काफ़ी बार सुना है, आज हम देखेंगे उसका मीनिंग क्या होता है, उसका यूज़ कहाँ होता है, उनके क्लासिफिकेशन मतलब टाइप्स कौन से होते हैं, और हाउ दे वर्क मतलब उनका वर्किंग कैसे होता है। जैसे कि लास्ट वीडियो लेक्चर मतलब डीसी पावर सप्लाई में हमने रेक्टिफायर का इंट्रोडक्शन देखा था। मैंने बताया था कि रेक्टिफायर एक ऐसा यूनिट होता है जो एसी टू डीसी कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये 230 वोल्ट एसी वोल्टेज को 230 वोल्ट एसी वोल्टेज को कन्वर्ट कर देगा प्योर डीसी में, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 0 हर्ट्ज। इसका मीनिंग ये नहीं होता है। इसका मीनिंग ये है कि ये कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। जैसे कि डीसी पावर सप्लाई में 4 मेन यूनिट्स होते हैं, ट्रांसफॉर्मर, आफ्टर दैट रेक्टिफायर, आफ्टर दैट फिल्टर एंड आफ्टर दैट रेगुलेटर, और फिर कन्वर्जन होता है एसी का प्योर डीसी में। इसका मीनिंग क्या है कि डीसी पावर सप्लाई का एक मेन यूनिट होता है रेक्टिफायर, जो कि कन्वर्ट करता है एसी को पल्सुएटिंग डीसी में। मैंने क्या कहा? पल्सुएटिंग डीसी। अब मैं कंसिडर करती हूँ कि आपको पल्सुएटिंग डीसी क्या होता है ये पता नहीं है। अब सबसे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद में आपको पल्सुएटिंग डीसी के बारे में भी पता चलेगा। बेसिकली रेक्टिफायर्स आर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। विच वन? फर्स्ट टाइप इज हाफ वेव रेक्टिफायर एंड सेकेंड टाइप इज फुल वेव रेक्टिफायर। आफ्टर दैट फुल वेव रेक्टिफायर आर क्लासिफाइड इंटू टू टाइप्स, दैट इज सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर। याद रखिएगा, सी टी मीन्स सेंटर टैप रेक्टिफायर एंड सेकेंड वन इज ब्रिज रेक्टिफायर। ओके, अब जैसे कि इनका नाम है हाफ वेव रेक्टिफायर, मैंने कहा रेक्टिफायर कन्वर्ट करता है ए सी को पल्सुएटिंग डी सी में, सो हाफ वेव रेक्टिफायर एसी को पल्सुएटिंग डीसी में तो कन्वर्ट करेगा, लेकिन वो सिर्फ एसी के हाफ वेव के लिए वर्क करेगा, इसलिए इनको हाफ वेव रेक्टिफायर कहा जाता है। सो सबसे पहले इसका वर्किंग देखेंगे। लेट सी वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर यूनिट का जो इनपुट होता है ना, वो एसी होता है, और हमें पता है कि एसी कभी भी डायरेक्टली अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो अप्लाई हम कैसे करते हैं एसी को? ट्रांसफार्मर के थ्रू। सो आपको अगर 230 वोल्ट अप्लाई करना है, सो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी पर हम 230 वोल्ट अप्लाई करते हैं। देन आई विल यूज़ हियर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मैंने कैसे दर्शाया है कि मैंने जो सेकेंडरी वाइंडिंग का नंबर लिया है, टर्न्स लिए है, वो कम लिए है। जैसे आपको नज़र आ रहा है कि प्राइमरी टर्न्स ज़्यादा है और सेकेंडरी टर्न्स कम है, टर्न्स कम है। इसका मीनिंग क्या है कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा वोल्टेज रिक्वायर्ड नहीं है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, एक डायोड कनेक्ट करूँगी अपर साइड में, पीएन जंक्शन डायोड में कनेक्ट करने वाली हूँ, और उसके बाद में एक लोड कनेक्ट करूँगी। लोड को दर्शाने के लिए हमें हमेशा रेजिस्टर को यूज़ करना है, तो यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टर यूज़ किया है, उसका नाम हम दे देंगे लोड रेजिस्टर RL, और ये हमारा हो गया डायोड। अब यहाँ पे हम दो पॉइंट लेंगे A और B फॉर रेफरेंस पर्पज़, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि करंट ए टू बी फ्लो रहा है या फिर बी टू ए फ्लो हो रहा है। सबसे पहले देखेंगे कि क्या होने वाला है। अब एसी जो सप्लाई होता है उसमें टू हाफ साइकिल्स होती है, पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल। सो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है तो आपकी अपर वायर पॉजिटिव होती है और लोअर वायर निगेटिव होती है। दैट मीन्स अपर पॉइंट ए इज़ पॉजिटिव एंड लोअर पॉइंट बी इज़ निगेटिव, विच मीन्स दैट कि डायोड का जो ये एनोड है ना, इस तरफ क्या है डायोड का? एनोड है, एंड इस तरफ क्या है डायोड का? कैथोड है। सो जो एनोड होता है ना, उसको पॉजिटिव सप्लाई प्रोवाइड हो रहा है, पॉइंट बी पे कोई डायोड नहीं है, सो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। सो डायोड डी के एनोड को पॉजिटिव सप्लाई अप्लाई हो रहा है, मतलब डायोड डी फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। जब भी डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो क्लोज स्विच की तरह वर्क करता है। क्लोज स्विच मतलब क्या कि उसमें उसके अंदर से करंट डायरेक्टली फ्लो होगा विदाउट एनी हेजिटेशन। सो जब भी पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो डायोड डी फॉरवर्ड बायस होगा और उसके थ्रू करंट फ्लो होगा लाइक दिस।
ये जो करंट है हमारा आई एम से मैं डिनोट करती हूँ, ये करंट फ्लो हो रहा है आर से भी। इसका मीनिंग क्या है कि आई फ्लो हो रहा है आर से, मतलब आई आर वोल्टेज ड्रॉप मिल रहा है आपको। ये जो वोल्टेज है ना आर एल के अक्रॉस हम जो वोल्टेज कंसिडर करते हैं वो हमारा आउटपुट वोल्टेज या लोड वोल्टेज होता है। सो जब भी आर से करंट फ्लो होगा तो आई आर वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो वोल्टेज ड्रॉप क्या कहलाएगा आपका आउटपुट वोल्टेज। इसका मीनिंग क्या है कि जब भी डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तो करंट फ्लो होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा और आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। अब देखते हैं जब निगेटिव हाफ साइकिल आएगी। अब हम अज्यूम करते हैं कि निगेटिव हाफ साइकिल आई है। सो निगेटिव हाफ साइकिल के वक्त अपर पॉइंट निगेटिव होता है और लोअर पॉइंट पॉजिटिव होता है, मतलब ए इज़ निगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब आप साफ साफ देख सकते हैं कि एनोड को जो है निगेटिव सप्लाई प्रोवाइड हो रहा है। जब भी एनोड को निगेटिव सप्लाई प्रोवाइड होता है तो डायोड जो होता है वो रिवर्स बायस होता है। रिवर्स बायस मतलब क्या होता है, वो ओपन स्विच की तरह वर्क करता है। इसका मीनिंग क्या है कि डायोड थ्रू करंट फ्लो नहीं हो सकता। सो जब भी करंट फ्लो नहीं होगा मतलब आर एल से भी करंट पास नहीं होगा। इसके मतलब क्या है कि आई आर वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं होगा, मतलब कि जब भी निगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो वोल्टेज रिवर्स बायस रहेगा और आर एल से वोल्टेज आर एल के अक्रॉस वोल्टेज नहीं मिलेगा, मतलब आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा। अब मैंने जो आपको बताया है वो हम वेव फॉर्म में मैं आपको शो करती हूँ। देखिए ये हमारा एसी सप्लाई था, राइट, जो हमारा इनपुट सप्लाई था। वी हैव पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड निगेटिव हाफ साइकिल, दिस इज अवर सप्लाई वोल्टेज और वी कैन से इट इज़ इनपुट वोल्टेज वी इन। सो व्हाट हैपन एट आउटपुट, ये हमारा मैं ड्रॉ कर रही हूँ अभी आउटपुट वोल्टेज के लिए वेव फॉर्म। सो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आया सो डायोड थ्रू करंट फ्लो हुआ और हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल में वोल्टेज मिला था। लेकिन जब निगेटिव हाफ साइकिल आया तो निगेटिव हाफ साइकिल में हमें कोई भी वोल्टेज नहीं मिला, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप ही हुआ नहीं। वोल्टेज ड्रॉप क्यों नहीं हुआ, क्योंकि करंट ही फ्लो नहीं हुआ, ओके। और जब भी पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी नेक्स्ट तो तब भी आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। इसका मीनिंग क्या है कि डायोड जो कंडक्ट कर रहा है ना वो सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में कर रहा है और तभी आपको आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, ओके। अब आप सोचेंगे कि क्या हमें सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल मिल सकती है, क्या हमें निगेटिव हाफ साइकिल नहीं मिल सकती? यस ऑफ कोर्स मिल सकती है। आपको क्या करना होगा, अगर मैं ये डायोड की प्लेस इंटरचेंज कर दूँ लाइक दिस, यहाँ पे मैंने शॉर्ट कर दिया है और नीचे मैंने डायोड कनेक्ट किया है, तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल में वोल्टेज नहीं मिलेगा और निगेटिव हाफ साइकिल में मिलेगा, है ना। तो आपको जिस हाफ साइकिल में आउटपुट वोल्टेज चाहिए आप उसी साइकिल के लिए वो डायोड कनेक्ट कीजिए। लेकिन हम जनरली डायोड अपर साइड में ही कनेक्ट करते हैं, तो इसलिए मैंने अपर साइड में डायोड कनेक्शन बताया है और लोअर साइड में नहीं बताया। लेकिन इस रेक्टिफायर से एक बात क्लियर हुई है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में आप ओनली वन डायोड कनेक्ट करते हैं, ओनली वन डायोड कनेक्ट करते हैं। इसी वजह से आपको सिर्फ एक हाफ साइकिल में आउटपुट वोल्टेज मिलता है, बोथ हाफ साइकिल में नहीं मिलता। इसीलिए इस रेक्टिफायर को हाफ वेव रेक्टिफायर कहा जाता है। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो